राधे राधे, आपको मैं एक चीज बता दूं, कुंडली के अंदर अगर आपके राहु केतु और शनि की युति बन रही हो, भले कैसा भी हो, तुक का घर हो, चौथा भाव हो, छठा घर हो या सातवां घर हो, आपका जो कुंडली का सातवां घर हो, ये क्या सुख से रिलेटेड होते हैं? और ये शनि राहु और केतु की सातवें घर में तो बिल्कुल ही आपकी स्थिति नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसी बनती है तो आप अपनी कुंडली का तुरंत ही प्रिडिक्शन करवाइए। अगर आपका 11वां भाव पराक्रम का है और उधर ही आपके सूर्य नीच की स्थिति में चले जाए या मंगल और सूर्य की युति बन जाए, तो आप अपनी कुंडली पे कार्य जरूर कराइए। मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो नव ग्रह से रिलेटेड है। आपको पता है कि नव ग्रह कौन कौन से, जो हमारे अरुण वरुण तो वैसे ही नष्ट हो चुके हैं, वो चले गए वहाँ से, जो परिक्रमा करते करते वहाँ से निकल गए। अरुण वरुण को हम ग्रह नहीं मानते, लेकिन नव जो सिद्धांतिक रूप से सनातन धर्म में एक्सेप्टेड है वह है नव ग्रह। मैं आपको चलो क्रम के अनुसार बताता हूँ। जिस दिन आपको पूजा करनी है, नवग्रह अगर आपके खराब है तो आप इस मंत्र को दोहरा कर अपने जीवन में चेंजेस ला सकते, कहीं नहीं जाने की। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके भी काम आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं सोमवार से। सोमवार होता है वह चंद्र से रिलेटेड होता है। बहुत सारे लोग ज्योतिष कहते हैं कि वह शुक्र नहीं, सोम होते हैं और चंद्र देव के अधीन में होते हैं। सोमवार होता है वह चंद्रदेव के अधीन में आता है। तो आप उस दिन एक मंत्र कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सोमवार के दिन आपको वह भी रात्रि के समय, किसी भी समय कर सकते हैं, रात्रि का समय बेस्ट रहेगा। वो भी सफ़ेद मोतिया स्फटिक माला से आप इस मंत्र को कर सकते हैं 100 बार, 108 बार। ओम शशि शेखराय नमः, फिर से सुन लीजिएगा, ओम शशि शेखराय नमः, यह चंद्रदेव का मंत्र है। मंगलवार के दिन भोम यानी मंगल देव का वास माना गया, तो उस दिन आपको कौन सा मंत्र बोलना है, ओम भोमाय नमः। उनके लिए कौन सा भी माला परफेक्ट रह सकती है, लेकिन मूंगे की माला और दूसरा होता है गुंजे की माला, यह दोनों मंगल के लिए बहुत ही बेस्ट है। तीसरा है बुधवार। बुध को हम बुद्ध से रिलेटेड करते हैं या गणपति जी से रिलेटेड करते हैं। प्राकृतिक रहस्य भी बुद्ध में ही छिपे हुए, कुंडली का राजकुमार कहते हैं बुद्ध को। तो आप बुध के लिए ओम बुधाय नमः इस मंत्र प्रचलित है, इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, जिससे आपके बुध ग्रह खराब हो तो शांत हो जाएंगे। चौथा है बृहस्पति। बृहस्पति आपके जितने अच्छे होंगे, आपके जीवन में उतने इनकम और फाइनेंस भी इशू कम हो जाएगी। बहुत पैसा आएगा बृहस्पति को ठीक करने से। कुंडली का प्रिडिक्शन इसलिए कराइए। बृहस्पति का मंत्र है ओम गुरुवे नमः या ओम बृहस्पतये नमः, यह मंत्र है बृहस्पति जी का। अब है शुक्रवार। शुक्रवार को हम लक्ष्मी जी से रिलेटेड करते हैं। शुक्र जो होता है सफेद, और लक्ष्मी जी को हम कहते हैं ना कि शुक्र है वह हमें लग्जरी बरकत। शुक्र जितना परफेक्ट होगा आपकी हर विश हर इच्छाएं क्लियर होगी। शुक्र के लिए आपको मैं मंत्र बता दूं, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। यह मंत्र अगर आप 108 बार शुक्रवार के लिए करते हैं तो भी आपका ग्रह अच्छा होता है। शनिवार का दिन शनि से रिलेटेड, सब जानते हैं कि शनि देव को जितना प्रसन्न करते हैं, सब लोग डरते हैं कि शनि खराब होने से ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन वह आपके कर्म से रिलेटेड होता। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो शनिदेव आपको अच्छे ही कर्म के फल देंगे। शनिदेव के लिए ओम प्राण प्रेम प्रोम सहसम शनिश्चराय नमः, यह मंत्र है शनिदेव के लिए। रविवार के लिए आप जानते हैं रविवार तो सूर्यदेव का वार होता है। जितना रविवार और सूर्यवार को, सूर्य मतलब सोमवार के दिन आप अगर पूजा करते हो, चंद्र, हम सोमवार को चंद्र बोलते हैं ना, तो चंद्रवार और सोमवार और रविवार इन दो दिन अगर आप पूजा करते हो, इन मंत्रों को बोलते हो, तो आपकी गवर्नमेंट नौकरी परफेक्ट ही लगेगी। चंद्र और सूर्य जितना अच्छा होगा उतने सरकारी नौकरी के योग प्रबल होते हैं। मंत्र है ओम भास्कराय नमः, या आप जानते हो सूर्य के अनेक प्रकार के नाम है, तो ओम भास्कराय नमः यह मंत्र परफेक्ट है आपके जीवन में सूर्य को ठीक करने के लिए। सूर्य चंद्र को ठीक करने के लिए आप अपनी माता पिता की सेवा कीजिए। प्रातःकाल उठते ही उनके चरण स्पर्श कीजिए। उनके चरण में जो चारों धाम है वही तो देवी देवता है, माता पिता अपने। अगर जितना हो सके अपने घर के वास्तुओं को ठीक कराइए, आपके ग्रह स्वतः ही ठीक हो जाएगा। जय श्री महाकाल।